अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। इजी अब्दुल्ला साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं काशिफ असलम। आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बायो के बारे में, चैप्टर 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ इसके मेन कंसेप्ट के बारे में, मेजर कंसेप्ट के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या रीड आउट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे डोमेन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कैरियर्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर फाइव पे हम बात करेंगे क्वान एंड बायोलॉजी। नंबर सिक्स मुस्लिम साइंटिस्ट। नंबर सेवन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंड पे हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स, ये तमाम टॉपिक्स हैं, इनकी वन बाय वन वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, चैनल पे पोस्ट करूंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक कर दें और कमेंट भी करें स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में। स्टूडेंट्स, साइंस क्या चीज है? आप सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि साइंस क्या चीज है, साइंस आई कहाँ से, कैसे ये वजूद हुई, कैसे डिस्कवर हुई, कौन से लोगों ने साइंस को डिस्कवर किया और किस तरह से हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारा इससे वास्ता पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आइए, तो सबसे पहले मैं आपको साइंस का इंट्रोडक्शन बताता चलूं। तो साइंस स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा नॉलेज जिसके अंदर हम सबसे पहले नंबर वन पे हम सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस से मुराद हम किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग के अंदर उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है अंदाजे लगाना कि हमारे दिमाग में उस चीज के बारे में क्या आता है, क्या ख्याल आता है। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट्स, भी हम और करियर होने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस के अंदर, एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम उस चीज के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को देखते हैं कि क्या हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल वही चीज है। तो स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ, ये वही चीज है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर पे ये एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसके जरिए से हम ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके थर्ड नंबर पे हम रिजल्ट्स निकालते हैं, रिजल्ट्स और कंक्लूजंस वगैरह निकालते हैं। कंक्लूजंस मीन स्टूडेंट्स वाज़िया रीजंस, वाज़े बयानात, पक्का हमें जिसके बारे में पता हो कि ये वो चीज है। तो स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सेकंड नंबर पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हम उससे क्या काम करते हैं, हम उससे कंक्लूजंस या रिजल्ट्स निकालते हैं। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाता है साइंस के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर पहले चैप्टर के पहले पेज के ऊपर ही साइंस के बारे में दो लाइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां से आपने इसको नोट करना है, वहां से आपने इसको याद करना है। दो मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के साइंस आई कहाँ से। अब मैं आपको साइंस के हवाले से, साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो स्टूडेंट्स, साइंस अरबों खरबों साल पहले स्टूडेंट्स, मतलब कि जितने भी यहाँ पे रहने वाले कदीम बाशिंदे थे इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, तो स्टूडेंट्स वहां पे जितने भी लोग थे वो साइंस के बारे में कुछ इतना खासा इलम नहीं रखते थे, उनको साइंस के बारे में नहीं पता था। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने एक इंसान को दिमाग अता किया, ब्रेन, उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा की। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जितने भी किस्म के साइंसदान थे वो इन चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया, इन चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दे और इन चीजों के बारे में रिजल्ट्स निकालने शुरू कर दे, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज लिखी, कुछ किताबें लिखी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों के बारे में आहिस्ता जानने से ये इलम हम तक पहुंचा है और इस तरह से स्टूडेंट साइंस की डिस्कवरी हुई। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे कि ये जो साइंस है, इन साइंस के अंदर आगे साइंटिस्ट ने मजीद कौन कौन सी चीजों को डिस्कवर किया और साइंस को किन हिस्सों में आगे डिवाइड किया। तो आपकी बुक के ऊपर यहाँ पे राइट किया होगा स्टूडेंट्स, साइंस को जितने भी किस्म के साइंटिस्ट हैं उन्होंने फोर मेन ब्रांचेस के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कवर किया है, फोर मेन ब्रांचेस। वो स्टूडेंट्स आप सारे स्टूडेंट्स का जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन बुक्स हैं आपकी नाइन्थ एंड टेंथ लेवल की मेन आपकी बुक्स हैं, वो मेन टॉपिक्स
मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर वन पे आता है केमिस्ट्री। साइंस की जो सबसे पहली ब्रांच के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है उसका नेम है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री। जितने भी किस्म के इंसान की बॉडी के अंदर, पौधों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग वर्ल्ड के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री में आता है। सेकेंड नंबर पे जो उन्होंने साइंस की मेन ब्रांच डिस्कवर की है वो है स्टूडेंट्स फिजिक्स। फिजिक्स मैटर एंड एनर्जी के बारे में, जितने भी किस्म का मैटर और एनर्जी है उसके बारे में स्टडी करना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। थर्ड नंबर पे उन्होंने मेन बायो की, साइंस की जो मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है, वो है स्टूडेंट्स बायोलॉजी। ये सारी की सारी फोर मेन ब्रांचेस आपके बुक के अंदर राइट की हुई है। और नंबर फोर पे जो मेन ब्रांच है वो है मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स इन फोर मेन ब्रांचेस के अंदर साइंस को जितने भी किस्म के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो कि आपके ऐसे सब्जेक्ट है और आपने ऐसे सब्जेक्ट इनको पढ़ना भी है आगे। तो स्टूडेंट्स ये हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था साइंस का। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बायो के बारे में, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स बायो क्या चीज है और बायो किस तरह से हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्ड है बायोलॉजी, ये बायोलॉजी वर्ड डिस्कवर किसने किया, कहाँ से आया, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स की मेन इंट्रोडक्शन है। 2 मार्क्स का स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप सारे स्टूडेंट्स इसको अपनी बुक से नोट कर सकते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी का वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये ग्रीक यूनान के रहने वाले कदीम बाशिंदे थे, ग्रीक्स ने इसको डिस्कवर किया है, ग्रीक्स। तो स्टूडेंट्स यूनानी जबान बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलेंगे ग्रीक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रीक्स से बायो का वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रीक वर्ड से निकला है बायो, बायोलॉजी। स्टूडेंट्स पहला ग्रीक वर्ड था वो था बायोस, फर्स्ट ग्रीक वर्ड है बायोस, और सेकेंड जो ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स वो है लोगोस। अब हम बात करेंगे कि बायोस और लोगोस ये क्या चीज है, सारे स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर ये डेफिनेशन राइट की गई है तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो बायोस स्टूडेंट्स बायोस का मीनिंग है लाइफ। लाइफ व्हाट इज लाइफ स्टूडेंट्स, हर वो चीज जिसके अंदर जिंदगी मौजूद हो, जो जिंदा रहती है उसको हम बोलते हैं लाइफ। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लाइफ। तो इन शॉर्ट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, इसको इसकी स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं बायोस, ये बायोस में आता है। और सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट है लोगोस। व्हाट इज लोगोस, लोगोस का मतलब है स्टूडेंट थॉट, रीजनिंग। थॉट मीन सोचना, दिमाग में उसके बारे में सोचना, रीजनिंग मीन उसकी वजह तलाश करना, वो क्या चीज है, कैसे है। तो इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हैं टू स्टडी, आपके बुक में लिखा हुआ है थॉट और रीजनिंग स्टूडेंट्स। तो थॉट और रीजनिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया है वो क्या चीज है, आप अपने बुक से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बायोलॉजी की डेफिनेशन आपकी बुक में राइट की गई है। तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का क्या किरदार है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और इससे आगे क्या क्या उन्होंने साइंस ने डिस्कवर कर दिया, क्या क्या इससे आगे निकलता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक के ऊपर वो पहला टॉपिक है, 9.11 टॉपिक है, डोमेन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की डोमेन्स के बारे में, डोमेन्स क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की 3 मेन डोमेन्स है। डोमेन्स स्टूडेंट्स डोमेन कहते हैं बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप। बायोलॉजी को साइंसदानों ने 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया है, आपकी बुक के ऊपर ये राइट की गई है 3 मेन डोमेन्स, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डोमेन्स के बारे में हम बात करते चले, तो ये जो डोमेन्स है सबसे पहले नंबर पे जो बायोलॉजी की डोमेन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है स्टूडेंट्स बॉटनी। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें बायो के मेन डोमेन के बारे में तो वो है स्टूडेंट जूलॉजी। और स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पे जो लास्ट पे बायो की मेन
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स ये क्या चीज है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर पे है बॉटनी। बॉटनी स्टूडेंट्स कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करना स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं बॉटनी। ठीक है तो आपकी बुक में ये राइट किया गया है, फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, इट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, या इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन बॉटनी एंड जूलॉजी। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के डोमेन है। आप सब स्टूडेंट्स ने ये याद रखना है, ये डोमेन है, डोमेन का लाजमी आप राइट करेंगे, ये डोमेन है। इसके अंदर स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर पौधों की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स कौन से प्लांट्स की स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। स्टूडेंट हर किस्म के पौधे की स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। हर किस्म का पौधा कौन सा स्टूडेंट, छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े तक हर किस्म के पौधे की स्टडी करना स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। ठीक है तो जितने भी किस्म के इस कायनात के अंदर, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर पौधे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे हैं, समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, तालाबों के अंदर और जंगलों के अंदर, जमीन के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर, हर जगह के अंदर मौजूद जितने भी किस्म के पौधे हैं उनकी स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे कि जूलॉजी की। अभी मैंने आपको बताया ये भी बायोलॉजी की डोमेन है स्टूडेंट्स। इस डोमेन के अंदर क्या होता है, ये डोमेन बॉटनी के उल्ट है और इसके अंदर टू स्टडी ऑल एनिमल्स, टू स्टडी ऑल एनिमल्स स्टूडेंट्स जितने भी किस्म के जानवर हैं, ऑल एनिमल्स उन सब की स्टडी करना स्टूडेंट जूलॉजी कहलाता है। जानवर कौन कौन से कहाँ पे, हर किस्म का जानवर स्टूडेंट्स जो कि पानी के अंदर मौजूद है, जमीन के ऊपर है, जंगलों जंगलात के अंदर है और जमीन के एक एक हिस्से में जहां कहीं पे भी मौजूद एनिमल्स हैं उनकी स्टडी करना स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन है, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, आंसर गिव टू एग्जांपल्स, इसके साथ आप इसकी 2 एग्जांपल्स भी आपकी बुक के अंदर राइट की गई है। तो स्टूडेंट्स जितने भी किस्म के स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नजर नहीं आते, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आम आंख से नजर नहीं आते उनकी स्टडी करना वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल कौन से माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, जर्म्स, जरासीम, जितने भी किस्म के जो आम आंख से नजर नहीं आते। उसके बाद सेकंड नंबर पे बैक्टीरिया, थर्ड नंबर पे जितने भी किस्म के वायरसेस हैं, ऑल वायरसेस ईडीसी। तो स्टूडेंट ये 3 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर भी राइट की गई हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये स्टूडेंट्स बायो के 3 मेन डोमेन्स हैं, ये 3 मेन डोमेन्स पेपर्स के पेपर के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। आप सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक से इनको नोट कर लें और वहां से ही शॉर्ट क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं वहां से।